अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैम्स फैमिली व्लॉग माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे और ये आप देख रहे होंगे। ये अभी जो दिसंबर में हमारी रिसेंटली फर्स्ट ट्रेन जो हुई थी, विंटर्स फर्स्ट ट्रेन, उस पर मैंने ये वीडियो मेकिंग की। इतना ज़बरदस्त किस्म का वेदर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड बैठे हुए बाहर वेट कर रहे थे कि ऑफ़िस जाने के लिए, इनके बारिश थोड़ी रुके तो मैं घर से निकल के गाड़ी तक जाऊं, क्योंकि गाड़ी दूर पार्क हुई भी थी और बारिश थी कि रुकी नहीं रही थी। और इसी इंतज़ार में इनके ऑफ़िस की छुट्टी हो गई क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं, कंटिन्यू होती रही। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें बनानी चाहिए, इतना ज़बरदस्त किस्म का वेदर है और सुबह से ही इतनी अच्छी हल्की हल्की बारिश में इतनी ठंड थी, और शाम में तो ये और ज़्यादा 2-3 बजे के करीब वेदर और चेंज हो गया था। फिर मैंने कुछ चीज़ें सोची। मैंने सबसे पहले तो रखा अंडे का हलवा बनने के लिए, जो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है। इसके साथ मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाया उसी दिन, और इसके साथ मैंने फिंगर फिश बनाई। फिंगर फिश के फिले मैंने पहले से मैरिनेट किए थे और उसके बाद उनको फिर कोटिंग करके उनको डीप फ्राई करना था, तो एक ये डिश हो गई। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी भी बनाई जाए। अंडे का हलवा जब रेडी हो गया तो पूरा उसको निकाल डिश आउट करने के बाद मैंने फिर सूप रेडी किया था। सूप रेडी जब कर लिया, ये देखिए आप अंडे का हलवा मैंने बनाया, बहुत मज़े का होता है। और सूप मैंने कॉर्न भी डाले थे, और इसके बाद फिंगर फिश के फिले को कोट करके उसको फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई किया था। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा अंडे का हलवा रेडी है यहाँ पर। फिर इसके साथ में मैंने सूप के साथ एग बॉयल किए थे। फिर कॉर्न सूप भी मेरा रेडी हो गया था, इसमें आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न ऐड किए मैंने। और फिर इसके बाद मैंने फिंगर फिश अपनी डीप फ्राई की। बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए क्योंकि बच्चे फिंगर फिश नहीं खाते शौक़ से, मिल्क पीते, इस वजह से भी मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती चीज़ें मैंने उसी वक्त ही जल्दी जल्दी रेडी की थी। शाम में तकरीबन 4-5 बजे के करीब ये सब कुछ रेडी हो गया था। इतने में मेरे बच्चों के साथ में उनके रूम में लेट के मूवी वॉचिंग कर रहे थे, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली थी। देख सकते हैं आप कि ये वीडियो वॉच मूवी वॉचिंग हो रही है, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया फुल डे। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ, बिजी रूटीन होती है हमारी बहुत ज़्यादा, और लेकिन ये दिन जो है बहुत मज़े का, बहुत अच्छा दिन था। हमने ये फैमिली के साथ हमने स्पेंड किया अपनी। कॉफ़ी मेकिंग की, मैंने कॉफ़ी बनाई क्योंकि मेरा बेटा कॉफ़ी बहुत शौक से पीता बड़ा वाला, तो उसके लिए मैंने उसकी वजह से अपने लिए भी बनाई। और इस तरीके से हमारा पूरा दिन अच्छा व्लॉग में भी अच्छा। आपका विंटर सीज़न मैंने इन्जॉय करवाया आज जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रिमार्क्स दिए कि मैंने बहुत मज़े की सब चीज़ें बनाई, और मैंने ये 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ रेडी कर लिया था, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर इसके बाद में बारिश इंजॉय करते रहे, फिर बच्चे पार्क चले गए थे खेलने के लिए अपने बाबा के साथ। इतने में मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली, और तकरीबन 4-5 बजे के करीब हमने चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ ये सब कुछ मैंने सर्व किया और हमने इंजॉय किया। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।